नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का जॉब करते हैं तो किस तरह से आप अपनी कंपनी में अपने प्रोफाइल को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि आप वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको अडॉप्ट करके आप अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। पहला टिप्स है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स केयरफुली। जो भी आपके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, उनके रिक्वायरमेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए और कोशिश करिए कि उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप फुलफिल कर पाएँ और समय से पहले फुलफिल कर पाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपके क्लाइंट आपको अप्रिसिएट करते हैं और आपको अपने सीनियर के तरफ से भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स सुनने के लिए मिलते हैं। सेकेंड, आपको प्रोफेशनल की तरह एक्ट करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोफेशनल एक्ट करने का मतलब क्या है कि आप वहाँ पर काम से काम चीज़ों के लिए मतलब रखें। जो भी आपको टास्क दिया जाता है उन टास्क के ऊपर आप अच्छे से फोकस करें, आप उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें और टाइम टू टाइम अपने सीनियर को, अपने टीम लीडर को आप इन्फॉर्म करते रहें कि टास्क हो चुका है, अब कोई दूसरा टास्क उसको असाइन किया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो सीनियर हैं वो भी काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं आपको और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आने वाले टाइम में और भी बेहतर टास्क करते रहेंगे। नेक्स्ट, क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई टास्क असाइन किया जाता है, जब भी आपके टीएल के तरफ से, मैनेजर के तरफ से कोई टास्क असाइन किया जाता है, तो आप उसके बारे में एक क्लियर टाइमलाइन लेकर के चलें, सो डैट कि आपके और अपने मैनेजर के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि आपको टास्क इतने दिन में एग्जीक्यूट कर लेना था, डेडलाइन कंप्लीट कर लेना था और आप काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो जो भी टास्क आपको असाइन किया जाता है उसको आप डिटेल में एक बार पढ़ें, समझें और जो भी लगता है कि इतने दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे उससे 2-4 दिन एक्स्ट्रा समय लेकर के आप चलें। सो डैट कि अगर आप पहले दे देते हैं तो आपकी तारीफ होती है, लेकिन जैसे ही आप डेडलाइन को क्रॉस कर देते हैं, प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं करते, तो आपकी काफ़ी बुराई भी होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, आप क्लियर कट सारी चीज़ों को समझ लें जो जो आपको बताया जा रहा है और कम से कम जो डिलीवरी वाला वर्क है वो आप समय पर डिलीवर करें अपने टास्क को। नेक्स्ट है, सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये फिर से घूम फिर करके बात वहीं आती है कि जब भी आपको कोई टास्क असाइन दिया जाता है तो आप बढ़ा चढ़ा करके उनको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कभी मत बोलें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन जो होता है वो हाई हो जाता है। आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन से हायर चीज़ों को अपने सामने वाले को दावा नहीं करना चाहिए कि मैं कर दूंगा, मैं इतना कर दूंगा, मैं उतना कर दूंगा, ठीक है। जो भी आप कर सकते हैं उसका थोड़ा सा कम ही आप बताइए कि मैं इतना कर सकता हूँ। जितना आप बता के चलेंगे उससे ज़्यादा आप डिलीवर करेंगे, हमेशा आपकी अप्रिसिएशन होगी वहाँ पर। तो हमेशा जो भी उसका डिमांड है आप उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करें। आपके अप्रोच मैक्सिमम डेटा ड्रिवन होना चाहिए। इसका मतलब कि जो भी चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो भी आप दावे पेश कर रहे हैं, उसका एक डेटा प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए पहले काम किया है, उसमें अगर आपके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो उस डेटा को आप यूज करके नेक्स्ट कंपनी को, नेक्स्ट क्लाइंट को आप अप्रोच कर सकते हैं। उनको भी वो डेटा दिखा करके अपने एग्जीक्यूशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन्हीं डेटा के बिहाव पर आप अपने क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल कर सकते हैं, उन्हें अपना प्रूवन रिजल्ट दिखा सकते हैं कि इस वे में हमने काम किया तो इतना अच्छा हमें रिजल्ट मिला, और हो सकता है कि उस रिजल्ट से खुश होकर के आपका क्लाइंट भी उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर फॉलो करने के लिए आपको कह सकता है कि आप उसी तरह से काम करें तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि जब आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए सिर्फ क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। क्लाइंट आपको हर बात में कहता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो डेटा ड्रिवन है आपका, उस समय में जो डेटा प्रूवन आपके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी काम आते हैं। आप अपने क्लाइंट के सामने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं, प्रीवियस रिजल्ट को रख सकते हैं, जहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि हमने ए वाला फार्मूला को अप्लाई किया था, ए वाले स्ट्रेटजी हमने फॉलो किया था, उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है और आपके भी कंडीशन में मिलने के चांसेस हैं। तो जब आप एक प्रूवन डेटा के साथ बात करते हैं अपने क्लाइंट से, तो क्लाइंट फिर आपको इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है आप अपने मन से काम करिए। क्लाइंट आपको तभी बातें ज़्यादा बोलते हैं जब आप जब उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते। जब आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो क्लाइंट भी आपको कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। अप टू डेट रहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा डिजिटल मार्केटिंग एरिया में हैं तो उन चीज़ों से अपडेटेड रहें जो हर रोज़ नई लॉन्च हो रही है। आप देखते होंगे कि SEO में, गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में, इंस्टाग्राम एड्स में हर रोज़ कुछ ना कुछ नए चीज़ आती रहती हैं। आपको हमेशा उन चीज़ों से अपडेटेड रहना पड़ता है। अपडेटेड रहने के लिए मल्टीपल ब्लॉग्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे अपडेट्स आते हैं आपके ट्विटर में, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपडेटेड हो रहेंगे, आपको वहाँ से ही पढ़ करके पता चल जाएगा कि किस चीज़ में क्या अपडेट आया। तो एज ए डिजिटल मार्केटर आपको अपडेटेड रहना भी काफ़ी ज़रूरी होता है।
लास्ट बट नॉट लिस्ट है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड करके रखें, चाहे आपका कलीग हो, आपके मैनेजर हो, आपके क्लाइंट्स हो, हमेशा पोलाइटली आप सभी से बात करें एज अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, टिप्स हैं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आपको सस्टेन करने के लिए, काफ़ी दिन तक स्टे करने के लिए कंपनी में ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो होपफुली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।